हेलो एवरीबडी वेलकम टू माइंगर ब्रेन्स मैं हूं शाह आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास ट्वेल्थ की जो आपकी इलेक्टिव बुक है इसकी पोम नंबर वन अ लेक्चर अपॉन द शैडो और आज कवर करने वाली हूं मैं इसके अंडरस्टैंडिंग द पोम के क्वेश्चन एंड आंसर्स बेसिकली आपके एन के जो सोल्यूशनस हैं वो आज मैं कवर करने वाली हूँ सो लेट्स बिगिन विद आर क्वेश्चन नंबर वन हाउ डू द शेडोज बिफोर नून डिफर फ्रॉम द शेडोज आफ्टर नून वट डर द टू काइंड ऑफ शेडो रिप्रेजेंट तो पोम में नून का मतलब क्या है नून का मतलब जब दिन के बारह बजते हैं जब सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है और जो शेडो होती है वो बिल्कुल छोटी सी दिखती है आपकी ओके तो पोम में बताया गया है दो तरीके की शेडोज यानी दो तरीके की परछाई एक नून से पहले यानी दिन के बारह बजे वाली परछाई जो काफ़ी डार्क दिखती है और एक दिन के बारह बजे के बाद वाली परछाई जो कि पोस्ट नून की, की परछाई होती है तो ये जो दोनों शेडोज़ हैं पोम में जो बताई गई हैं नून के पहले एंड नून के बाद वाली इन दोनों में क्या डिफरेंस है ओके okay, ये हमें बताना है सो द आंसर इज द पोएट रिफर्स द नून एस स्वेल्फ पी एम अ वेरी शॉर्ट टाइम तो बेसिकली पोएट ये जो नून का वक्त है उसको क्या बताना है कि जो नून होता है वो दिन के बारह बजते हैं ऑब्वियसली हम सबको पता है और ये बहुत शॉर्ट टाइम होता है दिन के बारह कितनी देर के लिए बचते हैं वो एक मिनट के लिए होता है वो समय तो so, एक मिनट भी अगर इस बारह से प्रिसड होगा पहले होगा तो वो बारह के पहले वाली शेडो कहलाएगी और अगर एक मिनट भी इस दिन के बारह के बाद सक्सीड करे बारह बज के एक मिनट भी हो गया या दो मिनट भी हो गया तो वो बारह के बाद वाली शेडो कहलाए ओके okay? यानी जो बारह बजे का टाइम है बहुत शॉर्ट टाइम है तो इट इज सो सक्सीडिंग नून इज ईदर मॉर्निंग और इवनिंग ठीक है एक रिलेशनशिप जो कि प्यार के ऊपर बेस्ड है यानी दो लवर्स हैं उनका रिलेशनशिप है जिनका प्यार पे पूरा उनका रिलेशनशिप बेस्ड है उनके लाइफ में भी देर इज़ अ टाइम वेन टू पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर परफेक्टली उनके रिलेशनशिप में भी एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्टली समझ जाते हैं एक दूसरे को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि आप क्या हो मैं क्या हूँ और हमारी आदतें क्या हैं ओके सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह जो शेडोज जो परछाइयाँ बताई गई हैं नून के पहले और नून के बाद में ये इसीलिए बताई गई है ताकि वो हमको डिस्क्राइब कर सकें बता सकें कि रिलेशनशिप इन लव बिफोर एंड आफ़्टर राइट टाइम वेन देयर रिलेशनशिप इज़ मेच्योर्ड एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर परफेक्टली तो बेसिकली ये जो दिन के बारह बजे का टाइम है ये वो टाइम है जब आपका रिलेशनशिप बिल्कुल मेच्योर हो चुका है यानी कि बिल्कुल अपने हाईएस्ट पॉइंट अपने एपिक पॉइंट पे आ चुका है आप सामने वाले को परफेक्टली समझ चुके हो इससे पहले का जो वक्त होता है वो मॉर्निंग का समय होता है यानी जब शेडो पीछे तरफ दिखती है सामने वाले की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती नहीं है तो ये थोड़ा कम मैच्योर होता है यानी जब लवर्स को एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता बहुत ही लवी डबी सा रिलेशनशिप है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती जब यहाँ पर आते हैं दिन के बारह बजे यानी नून के टाइम तक स्टेज तक जब उनका रिलेशन आता है तो वो एक दूसरे को परफेक्टली जानने लगते हैं और धीरे धीरे जब समय बढ़ता है जब नून के बाद वाली शेडो होती है तो प्रॉब्लम्स आगे तरफ दिखती हैं सामने दिखने लगती है उभर उभर के क्योंकि नून के बाद जो शेडो होती है वो सामने की तरफ बन दिखती है ठीक है तो शेडो बिफोर नून इज क्लियर वेर एज एन आफ्टरनून इट फेड्स अवे तो नून के पहले की जो शेडो होती है वो थोड़ी सी क्लियर होती है क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत क्लियर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके बाद की शेडो फेड अवे होने लगती है क्यों क्योंकि नून के बाद जब शेडोज जब प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं एक रिलेशनशिप में तो प्यार धीरे धीरे फेड होता है यानी फीका पड़ने लगता है क्यों क्योंकि लड़ाई झगड़े पड़ते हैं और प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देनी लगती है ओके नेक्स्ट लव इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट वॉट मेक्स अ पोएट टॉक अबाउट शेडोज पोअम में प्यार को क्या दर्शाया गया है कि प्यार एक लाइट है एक चमकती हुई रोशनी है तो ऐसा क्या हुआ कि पोएट ने इस पोम में शेडोज यानी परछाइयों के बारे में बात करी है आंसर इज पोएट के अकॉर्डिंग जो शेडोज हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अप्स एंड डाउन इन अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लव यानी जब प्यार होता है दो लोगों के बीच में तो अप्स एंड डाउन आते हैं यानी कि कभी अच्छे दिन भी होते हैं कभी बुरे दिन भी होते हैं कभी आप बढ़िया बैठ कर डिनर कर रहे हो इंजॉय कर रहे हो और कभी तो आप बहुत लड़ाई कर रहे हो तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और शेडोज यानी परछाइयाँ क्या दर्शा रही है पैरेलल ह्यूमन बॉन्डिंग विच इज टेस्टेड ओवर अ ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम यानी हमारे साथ साथ कौन चलता है हमारी परछाई यानी परछाई कौन हम हैं तो परछाई है उसी तरीके से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कोई दूसरा नहीं लाता है हम खुद लाते हैं जैसे परछाई हमारे साथ हमेशा रहती है हमारी प्रॉब्लम्स भी पैरेलली हमारे साथ हमेशा रहती हैं जो कहीं कही ना कहीं हमारे रिलेशनशिप्स में भी आती है लेकिन ह्यूमन बॉन्डिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है जो बार बार टेस्ट करते हैं भगवान आ, किसी भी रिलेशनशिप में एक ग्रेजुअल टाइम पीरियड बीतने के बाद समय बीत रहा है रिलेशनशिप स्ट्रोंग हो रहा है प्रॉब्लम्स कभी कभी लोगों को अफेक्ट करती हैं कभी नहीं भी अफेक्ट करती हैं तो ये शेडोज यानी प्रॉब्लम्स तो आपके साथ हमेशा रहेंगी ही एक रिलेशनशिप में अब जब सुबह के शेडो आप देखते हो यानी कि जब एक रिलेशनशिप अपने अर्ली फेज में होता है तो जो शेडो की लेंथ होती है लंबाई होती है वो क्या मीन करती है उसका क्या मतलब होता है तो वो ये डिपेक्ट करती है वो ये दर्शाती है मेचोरिटी इन लव यानी कि जब बारह बजे नून वाला टाइम आ जाता है तब एक मेच्योरिटी आ जाती है यानी आप अपने रिलेशनशिप में एक एपिक पॉइंट पे पहुंच गए हो जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं लेकिन आपको कम दिख रही क्योंकि आपका लव काफ़ी स्ट्रॉगर है लेकिन उससे पहले मॉर्निंग का जब टाइम होता है तो आपको शेडो पीछे की तरफ दिखती है और आपको यानी कि प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही शेडो का मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं किसी भी रिलेशनशिप में तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं क्यों क्योंकि अभी इनिशियल फेज है बहुत लबी डबी सा रिलेशनशिप है लेकिन नून के बाद जब शेडो बनती है तो शेडो थोड़ी सी लाइट हो जाती है क्यों क्योंकि प्यार कम होने लगता है और प्रॉब्लम सामने की तरफ दिखती है क्योंकि आफ्टर नून जब सन आता है तो सामने की तरफ होता है तो हमको क्या दिखता है हमको हमारी शेडो सामने की तरफ दिखती है यस तो जैसा कि पोम में डिस्क्राइब करा गया है कि जो शॉर्टेज लेंथ ऑफ शेडो होती है यानी तो बिल्कुल थोड़ी सी जब शेडो दिखती है वो नून के समय यानी दिन के बारह बजे दिखती है और ये क्या दर्शाता है कि आपके रिलेशनशिप में अटमोस्ट अंडरस्टैंडिंग है यानी आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है बहुत एक दूसरे को आप समझ रहे हो अगर कंपेयर करो जो अगर आप कंपेयर करो लॉन्गर शेडो ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द डे यानी जब सुबह का समय होता है तो शेडो लंबी दिखती है यानी लोगों को लगता है कि इनका रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि आपको लड़ाईया नहीं दिख रही क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही शेडो पीछे की तरफ बन रही है लेकिन जो बारह बजे वाला टाइम है ये सबसे मेचोरिटी वाला पॉइंट है नेक्स्ट कॉमेंट ऑन द यूज ऑफ द इमेज ऑफ द शेडोज फॉर द आइडिया पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे तो आपको कमेंट करना आपको बताना है कि पोएट ने ये शेडोज ये परछाइयों को इमेज किया यानी इमेजिन किया है और इससे पोएट क्या हमें कन्वे करना चाहते हैं क्या मैसेज हमें देना चाहते हैं शैडोज को शैडोज की इमेजिन करते हुए कल्पना करते हुए सो द आंसर इज जो पोएट है वो बहुत क्लियर है अपनी आइडियोलॉजीज़ में यानी उनको बिल्कुल पता है जब वो नरेट कर रहे हैं जब वो हमें अपनी कविता सुना रहे हैं तो उनकी जो डीप थिंकिंग जो आइडियोलॉजीज़ है शैडो को लेके प्यार को लेके रिलेशनशिप को लेके वो बिल्कुल क्लियर है

लोगों को लगता है रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा लेकिन जब नून तक आता है परछाई छोटी हो जाती है और नून के बाद परछाई बहुत लाइट दिखने लगती है तो ये जो शेडो है ये क्या दर्शा रही है लेंथ ऑफ द शेडो सॉरी ये जो ये जो शेडो है ये बता ये लेंथ ऑफ द शेडो डिपेक्ट हो रहा है जितनी लंबी शेडो लोगों को लगता है उतनी लंबी लोगों का ये वो रिलेशनशिप आगे जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है तो ये तो आपकी पहली आइडियोलॉजी थी अब जो सेकंड आइडियोलॉजी पोएट हमें बताना चाहते हैं उसमें वो एक सिमिली ड्रॉ कर रहे हैं यानी सिमिली बता रहे हैं सिमिली एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें आप एक चीज को दूसरी चीज की कंपेयर करते हो एक चीज़ को दूसरी चीज से कंपेयर करते हो बस बीच में एज वर्ड आ जाता है या लाइक like वर्ड आता है ओके okay? ठीक है एज या लाइक like वर्ड से तो उन्होंने एक रिलेशनशिप को कंपेयर किया हुआ है एज या लाइक like वर्ड यूज करके शेडोज से रिलेशनशिप कंपेयर्ड कम्पेयर विदोज तो इसमिली बताई गई है उन्होंने कि लव कितना इंटरनसिक या एक्सट्रेंसिक हो सकता है यानी लव कितना बेसिक हो सकता है एक पॉइंट पे जाके कब होता है वो जब पोस्ट नून होता है और एक्सट्रेंसिक यानी एक्सटर्नल बिल्कुल आप नेक्स्ट लेवल पहुंच चुके होते हो दैट इज इन द इनिशियल फेज यानी मॉर्निंग के फेज में तो ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने शेडोज को एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट द पोएट सीम्स टू बी एड्रेसिंग इज बिलव्ड इन द पोम वॉट इज द मैसेज ही विशेज टू कन्वे टू हर पोएट ये सारी चीज जो लव के ऊपर पूरा लेक्चर दे रहे हैं वो अपनी बिलव्ड यानी अपनी वाइफ को जिससे वो प्यार करते हैं उसको ये पूरा लेक्चर बता रहे हैं लव के ऊपर तो अपनी पार्टनर को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं सो so, जो पोएट है हमारी पोम में जब वो एड्रेस कर रहे हैं यानी बात कर रहे हैं अपनी बिलव्ड यानी अपनी पार्टनर से तो वो उसको क्या कन्वे कर रहे हैं वो उसको कन्वे कर रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव कि एक प्यार भरे रिलेशनशिप में अलग अलग स्टेजेस होती हैं हमेशा लड़ाई नहीं हो सकती हमेशा प्यार नहीं हो सकता अलग अलग स्टेजेस आते हैं वो ट्राई कर रहे हैं अपनी लेडी लव को अपनी वाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए कि जब भी कोई प्यार की शुरुआत होती है जब बिगनिंग होती है किसी भी रिलेशनशिप की तो सब कुछ बहुत बढ़िया गुड दिखता है और रिलेशनशिप में सब कुछ स्मूथ दिखता है सब कुछ आराम से जा रहा है कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है वो उसको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जब लव आपका शुरुआत में बिल्कुल फ्रेश होता है नया नया प्यार होता है तो दोनों ही जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की पर्सनैलिटी को नहीं देखते कि तुम में ये कमी है तुम में ये प्रॉब्लम है या तुम्हारे अंदर ये दिक्कत है लोग एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ लोगों की खामियों को नहीं देखते हैं वो लोग एक दूसरे की वो क्या सोचते हैं वो सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं जैसे जैसे उनका रिलेशनशिप ग्रो होता है और वो जैसे जैसे एक दूसरे को वक्त बीतते हुए क्लोजली डीपली एक दूसरे को जानने लगते हैं तो वो सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचते हैं एंड हैव अ क्लियरर पिक्चर एक दूसरे के बारे में लवर्स को क्लियर पिक्चर मिलने लगती है धीरे धीरे नून स्टेज पर आके कि सामने वाला का नेचर ऐसा है या इसको इस चीज़ से दिक्कत है मुझे नहीं करनी या सामने वाली बोलेगी मैं ये काम नहीं करती हूँ सामने वाले को इससे दिक्कत है या प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे जब आप वक्त बताते हो स्ट्रॉन्ग होता जाता है आपका रिलेशनशिप और आप क्लोजली एक दूसरे को जानते हो और आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बनती है अपने पार्टनर को लेके फिर धीरे धीरे जब वक्त पीरियड ऑफ टाइम जो समय है और आगे बढ़ता है तो जो लव होता है वो बढ़ता तो है ग्रो तो होता है स्ट्रॉन्ग तो होता है एंड मैच्योरिटी कम्स एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि मेच्योरिटी यानी कि अब इतना स्ट्रांगली एक दूसरे को जान लिया है एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ को जान लिया प्रॉब्लम्स भी पता है लेकिन प्यार कम नहीं हो रहा बेस्ट पॉइंट हाइएस्ट डिग्री वाला पॉइंट ही ट्राइज टू एक्सप्लेन दै देर आर अपस एंड डाउंस इन एवरी रिलेशनशिप और वो समझाने की बेसिकली उनको कोशिश करते हैं कि हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं कभी अच्छे दिन भी होते हैं कभी बुरे दिन भी होते हैं लेकिन अगर ट्रू लव है तो वो प्यार कभी डिक्लाइन नहीं होगा एंड नहीं होगा खत्म नहीं होगा आपको स्ट्रांगली खड़े रहना है और प्यार को रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है टिल द एंड ऑफ योर लाइफ नेक्स्ट इंस्टेड ऑफ अ लेक्चर अपॉन लव द पोएट कॉल्स द पोअम अ लेक्चर अपॉन द शैडो वट इज इफेक्ट दैट दिस हैज ऑन आर रीडिंग ऑफ द पोअम पोम का नाम है अ लेक्चर अपॉन द शैडो ठीक है और जब हम पोअम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहली ही दो लाइनों में हमारे पोएट कहते हैं अ लेक्चर अपॉन लव वो अपनी बिलव्ड को कहते हैं कि मैं तुम्हें लव टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर देने वाला हूँ तो पोएट ने इस पोअम का नाम अ लेक्चर अपॉन लव क्यों नहीं रखा जबकि उन्होंने लव के ऊपर लेक्चर दिया है उन्होंने अ लेक्चर अपॉन शैडो क्यों नाम रखा तो इसका हमारी रीडिंग पर जब हमने पोम रीड करी तो हम पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमें वो बताना है ओके okay. तो ये बोला जाता है आंसर में बोल रहे हैं इट इज सेड दैट लव इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऐसा हम सबको पता है और कहा भी जाता है कि जो प्यार की भाषा है ये यूनिवर्सल भाषा है ये सबको समझ आती है इंसानों को तो आती ही आती है जानवरों को भी प्यार की भाषा समझ में आती है आप उनको प्यार करोगे वो आपके पास आएंगे नहीं करोगे तो आप पे भोंकेगे गुर्राएंगे ओके okay? पोएट ने हमको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है बाई एसेंस ऑफ लव प्यार का एसेंस बाई डिफाइनिंग शेडोज एज अ मेटाफर फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल इन लव तो पोएट ने हमको ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है मेटाफर द्वारा मेटाफर एक तरीके का लिटरेरी डिवाइस है जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से आप कंपेयर करते हो ओके okay? और दोनों ही नॉन लिविंग होती है जैसे यहाँ पे रिलेशनशिप को कंपेयर करा गया किससे शेडो से दोनों ही नॉन लिविंग है तो दैट इज़ अ मेटाफर तो ये दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप को प्यार को उन्होंने कंपेयर किया है शेडो से मेटाफर यूज किया है उन्होंने यहाँ पर अगर शेडोज की केस की बात करें जो शेडोज की लेंथ होती है लंबाई होती है वो किस पर डिपेंडेंट होती है दिन के वक्त पर टाइम पर सुबह का समय है तो शैडो लॉन्ग होगी दिन का नून का वक्त है तो शेडो छोटी सी होगी और आफ्टरनून का वक्त है तो शेडो थोड़ी और लाइट हो जाएगी ओके एंड सन्स पोजिशन ड्यूरिंग द डे सन की पोजीशन अगर सामने तरफ है तो शेडो पीछे बनेगी सन बिल्कुल आपके ओवर हेड है तो शेडो नीचे बनेगी और सन बिल्कुल आपके सामने सा, पीछे है तो शेडो सामने बनेगी यस yes. तो उसकी पोजीशन पर पूरे दिन की सन की पोजीशन पर आपकी शेडो बनती है इसी सेम आइडियोलॉजी को इसी सेम थिंकिंग को पोएट ने अप्लाई किया है रिलेशनशिप ऑफ लव पर प्यार का जो लोगों का रिलेशनशिप है इसी साइंटिफिक आइडियोलॉजी को पोएट ने उस पर भी उस पर भी अप्लाई किया है सच एज इमोशनल अपहीवल मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा बिटवीन द टू पीपल इमोशनल अपहीवल यानी इमोशनल कन्फ्यूजन यानी कि कभी कभी लवर्स के बीच में मिस अंडरस्टैंडिंग होती है लड़ाई होते झगड़े होते वो एक इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरते हैं कभी तो बहुत खुश होते हैं कभी रोते हैं डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं दो लोगों के बीच में जो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो पोइट ने सिर्फ यही चीज़ समझाइए कि जैसे 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 दिन की शेडो कभी डार्क होती है कभी छोटी होती है कभी लाइट हो जाती है वैसे भी वैसे उसी तरह आपका भी रिलेशनशिप होता है कभी अप्स होते हैं कभी डाउन होते हैं कभी खुशी होती है कभी गम होती है लेकिन अगर ट्रू लव है आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल हो तो वो लव बिल्कुल लाइफ के एंड तक जाएगा दैट्स ऑल यू वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन आई होप आपको एनसीआर के सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप चाहें तो हमारे वीडियोज यूट्यूब पर भी देखें वहाँ ना मिल रहा है तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पर विच इज मैग्नेट ब्रीन डॉट कॉम अदर दैन मैग्नेट ब्रेन्स ने ई e बुक्स भी निकालिए। इफ़ यू वॉन्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म लिंक को विजिट करिए एंड आर टीम विल गेट बैक टू यू तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर